The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. So, agar aap daru peete ho, if you are drinking, even occasionally, kabhi kabar bhi peete ho, to ek concept hai moderate drinking ka, heavy drinking ka, chain drinking ka, chain smoker jaisa, aur there is a big sachai, truth, ki daru aapke body ke andar jaake damage kar sakti hai. एक अमाउंट के बाद हैवी ड्रिंकिंग इज वेरी हार्मफुल और ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे अल्कोहल आपकी बॉडी को इफेक्ट करता है और कितना हार्मफुल आपके लिए हो सकता है, कितना लेना सेफ है कितना नहीं, राइट? अल्कोहल क्या है, अल्कोहल कैसे इफेक्ट करता है आपकी बॉडी में? अल्कोहल इज बेसिकली अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट, दैट्स इट. ठीक है, इट मींस ये दवा है जो आपके ब्रेन को एक्टिविटी को स्लो कर देती है. ब्रेन की एक्टिविटी स्लो हो जाती है, आपके स्ट्रेस, आपका बिहेवियर, आपका सेल्फ कंट्रोल, आपका मूड सब इफेक्ट होता है. मूड थोड़ा बेटर होने लगता है, कभी सैड हो जाता है, कभी बिहेवियर चेंज हो जाता है, सेल्फ कंट्रोल खो जाता है, आपका टेंशन नहीं, जो मन में वो करते हो. सो ब्रेन एक्टिविटी स्लो कर देता है. इट कैन कॉज प्रॉब्लम्स विथ योर मेमोरी एंड थिंकिंग क्लियरली ऑल्सो. आप हो सकता है दारू के नशे में कुछ और उल्टे सीधे चीजों पे साइन कर दो, कोई ऐसा डिसीजन ले लो कुछ और उल्टा सीधा बोल दो. देयर इज अ पॉसिबिलिटी. अल्कोहल कैन आल्सो अफेक्ट द कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम एंड लीड टू एक्सीडेंट. इसीलिए दारू पी के ड्राइव नहीं करना. फिजिकल कंट्रोल खो सकते हो, लोगों को मार पीट सकते हो, पीपल कैन हैव राइट सम काइंड ऑफ क्रिमिनल वर्क ऑन योर हैंड, कुछ उल्टा सीधा कर दें. सो अल्कोहल इज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट. Who wants to take a depressant? कौन लेना चाहता है depressant? People लेते हैं क्योंकि उनको वो depressed feeling, वो stress feeling, stress free होना अच्छा लगता है. उनको समझ में नहीं आता लेकिन उनको अच्छा लगता है. Now that's called the high. It also affects your other organs. आपके दूसरे organs, आपकी body के, आपका heart, आपका blood pressure, आपका heart rate बढ़ जाता है. आपके liver, आपके kidney, उन सब पे effect पड़ता है. Over a period of time, liver fail हो सकता है, kidney fail हो सकती है. राइट आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकते हैं, आपके मोटापा बढ़ सकता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है. सो मेनी थिंग्स कैन हैपन जस्ट बिकॉज आपने थोड़ा ज्यादा अल्कोहल ले लिया. मगर ये सबको नहीं होता. किसको होगा, किसको नहीं होगा, किसी में ज्यादा किसी में कम, पर्सन टू पर्सन अलग क्यों? इट डिपेंड्स अपॉन वेरी बिग फैक्टर्स, वेरिएशन. क्या कितनी दारू पी, कितनी जल्दी पी, कितना अमाउंट पिया, आपकी उम्र क्या है, आपका सेक्स क्या है, आपकी रेस क्या है, कौन से दुनिया के कौन से कोने से बिलोंग करते हो, फिजिकल कंडीशन क्या है, और आपकी फैमिली में अल्कोहल की फैमिली हिस्ट्री है कि नहीं, अल्कोहलिक डिजीज है, अल्कोहलिक डिजीज की. जी हाँ, इन सब पे डिपेंड करता है कि आपको कितना इफेक्ट करेगी, राइट? सो कुछ लोगों को कम इफेक्ट करती है, कुछ लोगों का बेड़ा गर्क कर देती है थोड़ा भी पीने पे. सो व्हाट इज दिस, हम क्या कर सकते हैं? हम थोड़ी ये असेस कर सकते हैं, ये डॉक्टर असेस करेगा कि आपने ज्यादा पी कम की अकॉर्डिंग टू दीज ऑल थिंग्स. लेकिन आप क्या कर सकते हो, आपको क्या पता होना चाहिए मॉडरेट ड्रिंकिंग क्या है, हैवी ड्रिंकिंग क्या है, स्टैंडर्ड ड्रिंकिंग क्या है, व्हाट इज एक्सेसिव ड्रिंकिंग क्या है. सी मॉडरेट ड्रिंक का मतलब ये होता है, यानी आपने एक आप मेल है आदमी हो, और एक मॉडरेट ड्रिंकिंग का मतलब है कि दो स्टैंडर्ड पेग्स, दो स्टैंडर्ड ड्रिंक्स से ज्यादा नहीं ले रहे पूरे दिन में, एक दिन में दो स्टैंडर्ड ड्रिंक्स. अब हर लिकर के अलग स्टैंडर्ड ड्रिंक होते हैं, वो मैं अभी बताऊंगा. और फीमेल के लिए एक स्टैंडर्ड ड्रिंक एक पेग से ऊपर नहीं. अब स्टैंडर्ड ड्रिंक क्या है भैया, हर एक जगह का अपना हिसाब है. पटियाला पेग को भी लोग स्टैंडर्ड ड्रिंक बोलते हैं 60 ml का, पर वो स्टैंडर्ड ड्रिंक नहीं है. ठीक है, सो स्टैंडर्ड ड्रिंक बेसिकली कंटेन्स अराउंड 14 grams of pure alcohol. तो 14 ग्राम प्योर अल्कोहल इज वन स्टैंडर्ड ड्रिंक. वो किस किस हर एक टाइप में अलग अलग परसेंटेज है अल्कोहल का, यू नो इफ यू ड्रिंक, राइट? एंड बियर है, बियर में अगर 5% अल्कोहल कंटेक्ट है तो उसकी 12 ounces बियर, यानी 350 ml के आसपास, मान लीजिए 350 ml आपका हो जाएगा वन पैग, वन स्टैंडर्ड ड्रिंक.
तो एक डी 350 ज्यादा दो बियर, 12 ounces 12 ounces वाली दो बियर पी सकते हो ज्यादा ज्यादा, अगर मेल है फीमेल है तो एक ही, एक दिन में, एक दिन में। ऐसा नहीं कि 4 दिन का कोटा, एक दिन में 4 दिन का खाना एक दिन में खाते हो क्या? सर मैं एक हफ्ता नहीं खाऊंगा, मैं 25 रोटी खा लूं? हाँ ऐसा नहीं करते। नो नो नो, चाहे 4 दिन बाद खाना खाओ, एक ही दिन का खाना खाओगे। सेम हियर। सो वाइन इज लाइक 12% अल्कोहल, सो उसमें 5 ounces ऑफ वाइन अराउंड 30-40 ml आपकी बना जाती है। सॉरी, वाइन इज अराउंड 120-150 ml, आउंसेस को उससे कन्वर्ट कर लेना आप। 5 ounces ऑफ वाइन इज वन ड्रिंक, और किसी भी प्रकार का लीकर, विस्की, रम, वॉडका, शॉट का, जो कि 40% अल्कोहल कंटेंट होता है, ज्यादातर में 50% भी होता है, 40% वालों के 1.5 ounces इज बेसिकली वन ड्रिंक। 1.5 ounces यानी 30 ml, 30-40 ml, 40 ml फॉर 40%, 30 ml फॉर 50%, ऐसा होता है। ये हिसाब याद रखना, मतलब विस्की पियोगे तो 30 ml के 2 पैक बस। जी हाँ जी हाँ, बस उतना ही, नहीं चढ़ती है मत पियो, मत पियो फिर। इट्स वेरी सिंपल। हु शुड नॉट ड्रिंक? जिनको नहीं चढ़ती है मत पियो, क्या फायदा? फायदा कुछ नहीं, वेस्ट ऑफ ड्रिंक एंड वेस्ट ऑफ टाइम। सेकंड, अगर आपको अल्कोहल यूज डिसऑर्डर है, अगर आपको आदत हो चुकी है, कंट्रोल नहीं कर सकते कितना पीना है, कंट्रोल नहीं कर सकते हो अपने ऊपर, पीना शुरू करी तो आधी बोतल एक बोतल खत्म तो मत पियो। अगर उम्र ही नहीं है, 21 साल के नीचे हो तो मत पियो, प्रेग्नेंट है तो कतई भी मत पीना, प्रेग्नेंट होने वाले हैं तो भी मत पीना। दवाई ले चुके हो किसी भी प्रकार की, उसके बाद दारू नहीं पीना, दारू के बाद इमीडिएटली दवाई नहीं पीना, 3 घंटे का गैप रखना है लेने और देने से पहले, 3 घंटे का गैप। ज्यादातर दवाइयां रिएक्ट करती हैं, कुछ नहीं भी करती हैं, बट वाई टू टेक अ रिस्क, 3 घंटे का गैप। और अगर कोई मेडिकल कंडीशन है, लिवर की प्रॉब्लम है, या ऐसी कोई बीमारी है जो ड्रिंक करने से बढ़ जाएगी, जैसे कि गाउट, जैसे कि यूरिक एसिड, तो डोंट ड्रिंक। अगर आप ड्राइविंग करने वाले हो तो डोंट ड्रिंक, बताने की जरूरत है? राइट, पकड़े जाओगे, मारे जाओगे, वो अलग बात है। राइट, कोई मशीन ऑपरेट करने वाले हो, बड़ी क्रेन, कोई किसी किसी बड़े कंपनी की, कोई कारखाने की मशीन, डोंट ड्रिंक। सो ये सारी चीजें हैं। तो व्हाट इज एक्सेसिव ड्रिंकिंग, हमने देख लिया, मॉडरेट ड्रिंकिंग 2 पैक की है, माइल्ड ड्रिंकिंग मतलब 1 पैक, मतलब उससे कम, सिंपल। एक्सेसिव क्या है? एक्सेसिव का मतलब देयर इज समथिंग कॉल्ड इज बिंज, बिंज ड्रिंकिंग। बिंज मतलब एक बार में ब्लड अल्कोहल लेवल्स अगर आपका 0.08% से ज्यादा हो जाए, BAC, ब्लड अल्कोहल लेवल्स, तो दैट इज बिंज ईटिंग। ये होता है नॉर्मली एक आदमी के साथ, अगर वो 5 से ज्यादा स्टैंडर्ड ड्रिंक्स ले ले कुछ ही घंटों के अंदर अंदर, 5 से ज्यादा, और फीमेल के साथ अगर वो 4 से ज्यादा ड्रिंक्स ले लें कुछ ही घंटों के अंदर अंदर। तो 5 या 6 ड्रिंक्स, 5 ड्रिंक के ऊपर लेना हैवी बिंज ड्रिंकिंग, जो आपको पक्का बीमार करेगा, एक ही बार में भी बीमार कर सकता है, एक ही बार में भी डैमेज कर सकता है। दिस इज बिंज ड्रिंकिंग। इससे भी हैवी ड्रिंकिंग होती है एक। जी हाँ, एक्सेसिव ड्रिंकिंग में बिंज ड्रिंकिंग, और हैवी हैवी ड्रिंकिंग का मतलब भैया कई लोग 15 से ज्यादा भी ड्रिंक करते हैं एक बार में। जी हाँ, 15 से ज्यादा ड्रिंक एक वीक में, सॉरी एक बार में कह दिया, अगर आप 15 से ज्यादा ड्रिंक्स एक वीक में ले रहे हो देन यू आर अ हैवी ड्रिंकर। और फीमेल्स में 8 से ज्यादा ड्रिंक एक वीक में ले रहे हो यू आर अ हैवी ड्रिंकर, चेन ड्रिंकर, हैवी ड्रिंकर, अल्कोहलिक, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। ठीक है, सो दिस इज थिंग। बिंज ईटिंग करोगे तो आपके कार क्रैशेज, इंजरीज, अल्कोहलिक उल्टे सीधे काम करने का, वॉयलेंस का चांसेस बढ़ जाएंगे। और हैवी ड्रिंकर हो तो सिर्फ थोड़े दिन की बात है, इट्स अ पीरियड ऑफ, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, लॉन्ग टर्म में थोड़े ही महीनों में आपके अल्कोहल यूज डिसऑर्डर, अल्कोहल की आदत पहले पड़ेगी, जो आपका आगे चल के लिवर खराब करेगा, लिवर सिरोसिस, फैटी लिवर, ग्रेड 1 ग्रेड 2 लिवर सिरोसिस, हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक्स होंगे, डायबिटीज होगा, कैंसर्स के रिस्क बढ़ेंगे, इंजरीज का रिस्क बढ़ेगा, कोई नहीं रोक सकता इसको। एंड हैवी ड्रिंकिंग कैन ऑल्सो कॉज प्रॉब्लम्स एट होम, एट वर्क, विद फ्रेंड्स, सो ट्रीटमेंट कैन हेल्प। सो डॉक्टर के पास जाओ, अपना ट्रीटमेंट कराओ। हैवी ड्रिंकिंग करते हो तो कृपया बंद कर दीजिए। ठीक है, ट्रीटमेंट में भैया इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू डोंट वॉन्ट टू क्विट यू कैन नॉट क्विट। अगर आप छोड़ना नहीं चाहते हो तो आपसे कौन छुड़वा सकता है? नहीं छुड़वा सकते। राइट, बंद करके रख सकते हैं, उल्टे सीधे उसमें क्या बोलते हो, नशा मुक्ति केंद्रों में डाल सकते हैं, बट कई बार लोग वापस आके फिर शुरू, इट्स अ वेरी बिग फाइट, अनलेस यू वॉन्ट टू, इट्स वेरी डिफिकल्ट। या नशा मुक्ति केंद्र होते हैं, कई बार एक एक से दूसरी लत में चले जाते हैं, दारू छोड़ते हैं, तंबाकू खाते हैं, ये छोड़ के वो खाते हैं, पता नहीं क्या क्या। द पॉइंट इज, अनलेस यू वॉन्ट टू क्विट, इट्स वेरी डिफिकल्ट। एजुकेशन इज द की। जितना समझोगे,
जितने टेस्ट करोगे, जितना प्रिवेंटिव टेस्ट करोगे, उतनी जल्दी समझोगे यार ये तो खराब हो रहा है यार, मेरे तो लीवर खराब हो गया यार, यार मेरा तो ये क्या हो रहा है यार, मेरे तो बच्चे हैं, मेरे तो बिजनेस है, कौन संभालेगा। ठीक है सोशली एक आधी ड्रिंक ले ली, सेफ लिमिट में भैया, देयर इज अ लिमिट, थिंक अबाउट इट। काउंसलिंग, फिजिकल हेल्थ चेकअप, फिजिकल हेल्थ केयर, रेगुलर एक्सरसाइज, गुड डाइट, रिड्यूसिंग योर वेट, एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, गुड स्लीप, अलॉट ऑफ वाटर, ड्रिंक करने के पहले, ड्रिंक करने के बीच में पानी, ड्रिंक करने के पहले, ड्रिंक करने के बीच में, ड्रिंक करने के बाद खाना, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेगुलर B12 टेस्टिंग, रेगुलर B12 मेडिकेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट। अवॉइडिंग तला चिकनाई वाला उल्टे सीधे स्नैक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो देयर इज सो मच टू टेल यू अबाउट दिस। दवाइयां भी आती हैं कुछ, बट दैट दवाइयां कैन कॉज साइड इफेक्ट्स। ऐसी भी दवाइयां आती हैं जो दवा देने से अगर आपने दारू पी लिया तो ऐसी हालत खराब होगी, दुनिया में कभी दारू के बारे में सोचोगी नहीं, लेकिन जान भी जा सकती है, इतनी हालत खराब हो सकती है। तो इसलिए वो दवा नहीं दी जाती ज्यादातर केसेस में, रिस्की होती है। सो मैं नाम कैसे बताऊं, है कि नहीं? सो ड्रिंकिंग इज बैड, ड्रिंकिंग में कॉज डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, एंजाइटी डिसऑर्डर, कैन एक्चुअली डिस्ट्रॉय योर लाइफ एंड योर लव्ड वन, फैमिली की लाइफ। सो कृपया सोशली ड्रिंक करते हो तो सोशल रखो, लिमिट में रखो। डोंट थिंक आई कैन हैंडल, माई बॉडी कैन हैंडल, देर इज ऑलवेज अ लिमिट। ओके सो स्टॉप ड्रिंकिंग और लिमिट इट, बट डू इट राइट नाउ एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर फैमिली, विथ एवरी वन, किसी ना किसी की तो काम आएगी। आई एम डॉक्टर परमजीत, यू आर वॉचिंग डॉक्टर एजुकेशन। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।